हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ उज़्मा खान। मेरे यूट्यूब चैनल उज़्मा किचन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं अलसी के बारे में, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको आप खाएंगे तो इससे अलग फ़ायदे होंगे। अगर आप इसको बालों में लगाएंगे तो उससे बालों में बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप स्किन में इसको लगाएंगे पैक की तरह, तब भी ये बहुत फ़ायदा करेगी। तो मैं बताऊँगी कि इसको कैसे खाना है। तो खाने के लिए इसको क्या करना है, भून लेना है। भून के इसका एकदम पाउडर बना लेना है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम में लेना है। इससे होने वाले जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि मेटाबॉलिज्म एकदम ख़त्म कर देता है, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहती है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो ये लें। और अगर शुगर के पेशेंट हैं तो इसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये, क्योंकि डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। इसे कोई भी ले सकता है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको किस तरह से लेना है। तो बस ये है कि आधा चम्मच सुबह लें इसका पाउडर और आधा चम्मच शाम में लें। और अगर आप बालों में लगाते हैं तो इसको बालों में लगाने के लिए इसको क्या करना है, इसको पानी में बॉयल कर लेना है। बॉयल करने से जो इसकी जो भी खूबियाँ हैं वो सब पानी में हो जाएंगी, आ जाएंगी, और उसको बालों में लगाएंगे बिल्कुल हेयर पैक की तरह। तो बाल आपके एकदम शाइनिंग, एकदम स्ट्रॉन्ग और एकदम लंबे बाल हो जाएंगे। तो ये बताया मैंने बालों के बारे में। अगर आपको फेस पैक की तरह लगाना है तो आप उसको ग्राइंड कर लें और थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें इसमें, और ताकि हल्का सा गीला हो जाए, और उसको फेस पैक की तरह पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लें। इससे जो है आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बन जाएगा, आप बहुत ही फेयर हो जाएगा। तो इसके हैं बहुत सारे फ़ायदे, आप इसी तरह से चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसका पाउडर बना लिया है, आप देख सकते हैं। पाउडर बनने के बाद कुछ ऐसा है ये। अगर आप पाउडर बना के रख लेंगे तो आप कभी भी जब चाहें आप आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम में खा सकते हैं। और आप चाहें तो हेयर में लगा सकते हैं हेयर पैक की तरह, आप चाहें तो फेस में फेस पैक की तरह लगा सकते हैं। तो आप पाउडर बना के इसे रख लें डिब्बे में भर के, और आप इसका इस्तेमाल आराम से करते रहें। तो इसके ये हैं बहुत सारे फ़ायदे। माल ज़रूर करके बताएं और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, रिलेटिव्स में शेयर करें। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, इसे कोई भी ले सकता है, ये सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये अब आप देखिए, अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसके लड्डू पे, कि इसके लड्डू कैसे बनते हैं। तो अगर आपको रेसिपी जो मेरी वीडियो है ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।